क्योंकि उन्होंने राइटिंग में दिया था ये सभी लोगों का परमिशन लाइए हम आपको परमिशन दे देंगे, तो अभी तक राइटिंग में दी नहीं है। लेकिन कल हम जब पहुंचे थे तो बड़ा ताला लगा हुआ था, तो राम कथा तो सुननी है तो हम बाहर बैठ के कथा सुन रहे थे। ये जो कार्यक्रम है वो तो अभी 6 दिन या का है लगातार। हाँ, 12 तारीख 12 तारीख तक का है। तो अभी रोज हमें ये देखने मिलेगा कि गार्डन के बाहर आप लोग करोगे कि गार्डन के अंदर करोगे, वो राम जी की इच्छा, वो अपने ए वार्ड ऑफिसर है उनको पूछना चाहिए परमिशन क्यों नहीं दिया गया है। वर्बली उन्होंने हमें बोला है या पुलिस अधिकारियों को बोला है, तो ये लेकिन राइटिंग में अभी तक दिया तो नहीं है। कार्यक्रम होने के बाद आपने उनसे कॉन्टैक्ट किया कि यार हमारे फोन ही नहीं उठा रहे? हमारे आदरणीय विभाग प्रमुख संतोष जी शिंदे ने उनको अनेक फोन किए, रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर्स लोगों ने उन्हें उनको फोन किया कि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठ सकता है, तो उनका भी फोन उन्होंने रिसीव नहीं किया। तो ये सब प्रश्न बीएमसी वार्ड ऑफिसर को पूछा जाए या उनका सस्पेंशन जरूरी। कल के कार्यक्रम में हमें ये देखने मिला कि जितने भी कार्यकर्ता थे और उन्हीं के साथ आप सभी भी दिख रहे थे निचले स्थल पर, कि उस गार्डन के को बंद किया गया था बीएमसी द्वारा और आप सभी लोग रास्ते पर बैठकर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। इसके पीछे क्या है कि बीएमसी की परमिशन नहीं मिली? परमिशन होते हुए ने हमको राइटिंग में अभी तक ये क्षण तक दिया नहीं है कि आपको परमिशन नहीं है। Okay. तो हम अज्यूम करते हैं कि हमें परमिशन है, क्योंकि उन्होंने राइटिंग में दिया था ये सभी लोगों का परमिशन लाइए हम आपको परमिशन दे देंगे, सो अभी तक राइटिंग में दी नहीं है। लेकिन कल हम जब पहुंचे थे तो बड़ा ताला लगा हुआ था, तो राम कथा तो सुननी है तो हम बाहर बैठ के राम लल्ला का कथा सुन तो रहे थे। ये जो कार्यक्रम है वो तो अभी 6 दिन या का है लगातार। हाँ, 12 तारीख तक 12 तारीख तक का है। तो अभी रोज हमें ये देखने मिलेगा कि गार्डन के बाहर आप लोग करोगे कि गार्डन के अंदर करोगे, वो राम जी की इच्छा। अगर राम जी ने दरवाजा खोल दिया तो हम अंदर करेंगे, नहीं तो बाहर। जय श्री राम। दूसरी चीज मुझे ये पूछना है सर, इससे पहले भी हमने कुलाबा विधानसभा में काफी न्यूज बनाया और उसी गार्डन के अंदर भी हमने न्यूज बनाया था जब यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी आए थे और ऐसे अनेकों कार्यक्रम हुए हैं, तो इस वक्त ऐसा क्या सबसे बड़ा मुद्दा आपको लग रहा है कि आप लोग वो कार्यक्रम करने नहीं दे रहे? वो आपने ए वार्ड ऑफिसर है उनको पूछना चाहिए परमिशन क्यों नहीं दिया गया है। वर्बली उन्होंने हमें बोला है या पुलिस अधिकारियों को बोला है, तो ये लेकिन राइटिंग में अभी तक दिया तो नहीं है। कार्यक्रम होने के बाद आपने उनसे कॉन्टैक्ट किया कि यार हमारे फोन ही नहीं उठा रहे? हमारे आदरणीय विभाग प्रमुख संतोष जी शिंदे ने उनको अनेक फोन किए, रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर्स लोगों ने उन्हें उनको फोन किया कि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठ सकता है, तो उनका भी फोन उन्होंने रिसीव नहीं किया। तो ये सब प्रश्न बीएमसी वार्ड ऑफिसर को पूछा जाए या उनका सस्पेंशन जरूरी है। आखिरी प्रश्न ये है, आप जनताओं से क्या कहना चाहोगे? तमाम जनता आपके साथ यात्रा में भी जुड़ी हुई थी 2 दिन पहले और अभी आप लोग रास्ते पर बैठकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे लगभग 12 तारीख तक, तो उन जनताओं से और तमाम जो नहीं जुड़े थे उनसे क्या कहना चाहोगे? हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये मैसेज लोगों तक पहुँच गए, भावना उनके सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हुए हैं राम भक्तों के और हिंदू धर्म के लोगों को, कि ये जो हुआ ये गलत है और हम उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो सोच है हम उसको पालन कर रहे हैं, हमें किधर किसी लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इशू क्रिएट नहीं करना है। लेकिन यस, हम राम कथा जो है वो हम अंदर सुनेंगे, अगर गेट खोला गया तो, नहीं तो हम बाहर बैठ के कथा जरूर सुनेंगे, लेकिन 12 तारीख तक हम राम कथा जरूर करेंगे।